डियर स्टूडेंट्स, अब अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 1.2 बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये भी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकुलम। एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज आपको बच्चों दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकुलम, क्लियर। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, एक दूसरा और स्मॉल स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कितना पड़ा है बच्चों, ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकुलम, क्लियर। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये क्या है बच्चों, 0.2 न्यूटन क्या है, फोर्स है। दो स्पेयर के बीच में इतना फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन हमें फोर्स भी अवेलेबल करा रहा है। एक तो हमें पूछ रहा है ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्पेयर्स। डिस्टेंस आपको नहीं दी गई ऑब्वियसली, तो फाइंड आउट ही करनी है अपन को। और सेकेंड पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। फर्स्ट सेकेंड पे इतना फोर्स लगा रहा है तो सेकेंड फर्स्ट पे कितना लगाएगा। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एक बार आपको जो डाटा अवेलेबल है उसको एक बार वापस आप लिख लिया करें। Q1 फर्स्ट वाला चार्ज दिया हुआ 0.4 माइक्रोकुलम। बच्चों माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। इसको कन्वर्ट करना आप नहीं भूलें, न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चार्ज है -0.8 माइक्रोकुलम, -0.8 माइक्रो यानी 10^-6 कुलम, क्लियर। F आपको दिया हुआ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा भाई, एयर में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला सिंपली होगा K Q1 Q2 r2। मीडियम होता है तो फिर उसका अलग इफेक्ट होता है, उसको भी अपन आगे देखेंगे। वैल्यूज पुट अप करो बच्चों, एफ की वैल्यू कितनी है 0.2, के कितना होता है 9 × 10^9, Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 × 10^-6, Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों। देखो हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, Q2 आपको ये नेगेटिव में दिया हुआ है चार्ज, लेकिन इस फॉर्मूले में रखते टाइम आप उसको माइनस में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में अपन ओनली फॉर चार्ज के मैग्नीट्यूड्स यूज़ करते हैं। एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, फोर्स का नेचर पूछा जाए तो हम कह देंगे अट्रैक्टिव फोर्स है। बट फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको नेगेटिव साइन नहीं शो करना है। तो इसका वैल्यू नेगेटिव है लेकिन मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, 0.8 × 10^-6, और आर स्क्वायर मुझे नहीं पता। ये 0.2 से ये 0.4 डिवाइड हो जाएगा 2 times। इस आर स्क्वायर को इधर भेज के आप इस पूरे को जब सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। सॉल्व आप खुद कर लेंगे, रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना फिर रूट ले लेना पूरे का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सेकंड पार्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं अपन। सेकंड पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड पे लगा रहा है 0.2 न्यूटन। बच्चों आपको याद रखना है कूलम लॉ की, कूलम फोर्सेस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एक्शन रिएक्शन रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्पेयर सेकंड पे जितना फोर्स लगाएगा सेकंड भी फर्स्ट पे उतना ही लगाएगा। तो ये कह रहा है सेकंड फर्स्ट पे कितना लगाएगा, तो अपन को एक लैंग्वेज में एक लाइन में लिखना है, हियर सेम फोर्स विल अप्लाइड बाय द सेकंड स्पेयर ऑन द फर्स्ट स्पेयर। दैट मीन्स फोर्स कितना होगा भाई, सेम फोर्स। अपन एक लाइन में यहाँ शॉर्ट में लिख लेता हूँ, सेम फोर्स विल बी अप्लाइड बाय सेकंड स्पेयर ऑन द फर्स्ट, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0.2 न्यूटन। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फोर्स का नेचर कैसा होगा बच्चों, अट्रैक्टिव होगा। थैंक यू।